गाइस, तो आज मैं लेकर आई हूँ केक की जो क्रीम होती है व्हिपिंग क्रीम, उसको हमें किस तरीके से बीट करना है। गाइस, यहाँ पर ध्यान देना है कि बीटर हमें 300 वाट का लेना है, उससे नीचे बीटर का यूज़ नहीं करना है, जिससे कि क्रीम हमारी अच्छे से बीट होगी। और हमें कोई सी भी क्रीम ले लेंगे, व्हिपिंग क्रीम जो भी होती है, ये ट्रोपोलाइट की हो गई या फिर रिच की हो गई। और ध्यान रखना है कि हमें फ्रिज में से इसे 2-3 घंटे पहले ही निकाल के रख देना है फ्रीजर में से, जिससे कि इसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल हो वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और गाइस, पहले हमें इसे 2 मिनट तक एक नंबर पर ही चलाना है क्रीम को, उसके बाद हमें इसे 5 नंबर पर कर देना है। ये बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमसे क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती है और हमारी जो आइसिंग है वो भी केक के अच्छे से नहीं होती है। तो गाइस, यहाँ पर कुछ वीडियो में दिया होता है कि उसे जो भी बाउल है उसमें जिसमें भी हम क्रीम को बीट कर रहे हैं उसे उल्टा करके देखेंगे, अगर क्रीम हमारी नहीं गिर रही है तो समझ लेना है कि क्रीम जो है हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा अभी यहाँ पर चेक करके देखेंगे। तो अभी हमें 2 मिनट के लिए इस बीटर को और चला लेना है। तो गाइस, ध्यान रखना है यहाँ पर जैसे जैसे हमारा बीटर हल्का सा थोड़ा सा हार्ड चलने लगेगा तो हमें समझ लेना है कि हमारी क्रीम जो है वो ऑलमोस्ट बीट हो चुकी है। और देख सकते हैं यहाँ हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो गई है।